गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोरखनाथ की महिमा पूरे देश में व्याप्त है। गुरु गोरखनाथ के शिष्य असम, नागालैंड सहित अन्य प्रदेशों में मिलते हैं। इनके नाम पर एक शोध पीठ संस्थान स्थापना गोरखपुर विश्वविद्यालय में की जा रही है। इसके लिए धन भी आवंटित कर दिया गया है। इस पीठ की स्थापना से देश के छात्र शोध करके अपना करियर बना सकते हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के यहाँ पर किया है। इसमें महायोगी गुरु गोरखनाथ जी नाथ पंथ के बारे में सिद्धों, योगियों और संतों की एक लंबी जो परंपरा है इस देश के अंदर, इन सब पर शोध का, साहित्य में शोध का, भारत की हर भाषा में नाथ पंथ महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ साहित्य उपलब्ध है, उन सब पर शोध का एक अवसर यहाँ के शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। और जो अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ योग के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भारत के सिद्धों, संतों, योगियों के बारे में अनेक प्रकार की जो बातें सामने आती हैं, उसके बारे में किसी एक ठोस निष्कर्ष पर पहुँच करके वास्तविक और सही तथ्यों से आम जनमानस को, देश और दुनिया को अवगत कराने का एक माध्यम ये शोधपीठ बनेगा। इसमें लगभग 14 करोड़ रुपये भवन निर्माण के लिए प्रारंभिक चरण में उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। शेष यहाँ पर अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके विश्वविद्यालय इसको संचालित करेगा। मुझे विश्वास है महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर बसा गोरखपुर महानगर जनपद, यहाँ से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की इस परंपरा के बारे में, नाथ पंथ के बारे में देश और दुनिया में इस शोधपीठ के माध्यम से अनेक जानकारियां मिल पाएंगी। जो मुझे बताया गया इसमें कि अनेक भाषाओं में शोध के अवसर देने के साथ साथ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथ पंथ यानी एक विश्वकोश नाथ पंथ पर बनाने, देश के अंदर जहां कहीं भी, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे वह बंगाल और उड़ीसा का हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या देश के अंदर जहाँ कहीं भी नाथ पंथ से जुड़े हुए स्थान हैं, या नेपाल, तिब्बत, आपके आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान, ये विस्तृत भूभाग है जहाँ पे नाथ पंथ से जुड़े हुए स्थान हैं, नाथ परंपरा के बारे में लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव है। इन सब का शोध का और उन सब पर आगे कार्य करने का एक अवसर ये शोध पीठ के माध्यम से एक मंच के रूप में यहाँ से प्राप्त। माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद।